हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब हमारा शॉर्टकट्स में प्रैक्टिस सेशन में 100 स्क्वायर से 125 स्क्वायर तक कैसा करना सिंगल स्टेप में वो देखते हैं। सब वैल्यू को मैं ही कर कर दिखाता हूँ, फिर आप ठीक से यही दो तीन बार प्रैक्टिस कर दिया तो आप भी सिंगल स्टेप में ही कर सकते हैं। और हमारा क्लासेस हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश में मिलते हैं। और कन्फ्यूज मत होना, अपलोडर्स में प्लेलिस्ट में क्लियरली रख कर दिया। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक के बाद एक ठीक से देख लो मेरे दोस्तों, अभी तभी आपका क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं शॉर्टकट्स और क्वांटिटी ऑफ सभी क्लासेस को। अब हम टॉपिक में चलते हैं। 101 स्क्वायर मतलब हमें कम पड़ा तो प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन में तो कम पड़ा तो हमने निकल दिया, अब तो ज़्यादा पड़ा, ज़्यादा पड़ा तो हम ऐड करना है। इसीलिए कितना ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा है, वन ज़्यादा है, वन को स्क्वायर किया तो जीरो वन, क्यों हमें टू प्लेसेस में रखना है। 101 प्लस कितना ज़्यादा, वन के लिए ऐड करना है। अब 102 हो जाते हैं। अब 102 स्क्वायर मतलब 2 को स्क्वायर किया तो 04, और 102 प्लस 2 कितना 104। अब 103 स्क्वायर मतलब 3 ज़्यादा पड़ा इसलिए 3 को स्क्वायर किया तो 09, और 103 प्लस 3 कितना 106। अब 104 मतलब 4 ज़्यादा पड़ा, 4 को स्क्वायर किया तो 16 को टू डिजिट में रख दिया। तब अब 104 प्लस 4 कितना 108। अब 105 स्क्वायर मतलब 5 को स्क्वायर किया तो 25, 105 प्लस 5 110, वही आपका आंसर है। अब 106 स्क्वायर मतलब 6 को स्क्वायर किया तो 36, 106 प्लस 6 112। अब 107 स्क्वायर मतलब 7 को स्क्वायर किया तो 49, 107 प्लस 7 114। 108 स्क्वायर मतलब 8 को स्क्वायर किया तो 64, 108 प्लस 8 116। ये टू डैशेस लिखना नहीं भूलिए, क्योंकि एग्जाम में तो ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं इसी में इसको ध्यान करके मैंने टू डैशेस रखा, तब आप सिंगल स्टेप में ही कर सकते हैं और मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं, मिस्टेक से बिना कर सकते हैं। अब देखो 109 स्क्वायर मतलब 81, 109 प्लस 9 118। अब 110 स्क्वायर मतलब 121 00, 111 स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर आ गया, 11 स्क्वायर मतलब 121। हमें तो टू प्लेसेस में प्लेस करना है इसलिए 21 यहाँ रखकर इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 111 प्लस 11 कितना 122 प्लस 21 कितना 123। अब देखो 112 स्क्वायर, 12 कितना, 12 ज़्यादा बढ़ा, 12 को स्क्वायर किया तो 144, 44 यहाँ रखते हैं, क्यों हमें टू प्लेसेस में ही रखना है इसीलिए। और उनको कैरी करते हैं, 112 प्लस 12 124, 124 प्लस 1 125, 113 स्क्वायर मतलब 13 को स्क्वायर किया तो 69, एक को कैरी फॉरवर्ड, 113 प्लस 13 126 प्लस 1 127। अब यहाँ आ जाते हैं 14 स्क्वायर मतलब 14 ज़्यादा है, 14 स्क्वायर मतलब 196 को टू प्लेस में रख कर एक कैरी करते हैं। अब 14 प्लस 14 128 प्लस 1 कितना 129, 115 स्क्वायर मतलब 15 को स्क्वायर किया तो 225 को यहाँ रख कर 2 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 115 प्लस 15 कितना 130 प्लस 2 132 हो जाता है। अब 116 मतलब 16 को स्क्वायर किया तो 256 को यहाँ रख कर 2 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 116 प्लस 16 132 प्लस 2 134 है। अब 117 स्क्वायर मतलब 17 स्क्वायर किया 289 को यहाँ रखकर 2 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब 117 प्लस 17 134 प्लस 2 136 यहाँ आ जाते हैं। 118 स्क्वायर मतलब 18 ज़्यादा है, 100 से 18 ज़्यादा है, 18 को स्क्वायर किया तो 324 को यहाँ रखकर 3 यहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब 118 प्लस 18 कितना 136 प्लस 3 139 हो जाता है। अब 119 स्क्वायर 19 ज़्यादा है, 19 को स्क्वायर किया तो 361, 3 को कैरी फॉरवर्ड करके 119 प्लस 19 कितना हो जाता है 138 प्लस 3 कितना 141। हाँ वही, अब 120 का स्क्वायर। अब 121 स्क्वायर मतलब 21 ज़्यादा है, 21 को स्क्वायर किया तो अब कितना ज़्यादा आता है 441 को यहाँ रखकर 4 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 121 प्लस 21 कितना 142 प्लस 4 146, 122 स्क्वायर मतलब 484 को यहाँ रखकर 4 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 122 प्लस 22 144 प्लस 4 148 हो जाते हैं। 123 स्क्वायर मतलब 529 इसलिए 29 को यहाँ रखकर 5 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब 123 प्लस 23 कितना 146 प्लस 5 कितना 151। यहाँ देखते हैं 124 स्क्वायर मतलब 24 ज़्यादा है, 24 को आपने स्क्वायर किया तो कितना आ जाता है 576 को यहाँ रखकर 5 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 124 प्लस 24 कितना
148 प्लस 5 कितना 153। आप सबको पता है 125 स्क्वायर मतलब 156। ओके दोस्तों, ऐसे प्रैक्टिस में सब वैल्यू को एक ही सेकंड में वही वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। आप प्रीवियस क्लासेस प्लेलिस्ट में क्या है वो ठीक से ध्यान से एक मतलब वन आफ्टर वन अदर देख लिए आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा।